अबूजर नौमानी मुखिया ग्राम पंचायत मघा कला प्रखंड जमुआ मेरे साथ हैं, जिनसे विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत होगी। बेबाकी के साथ अपने बातों को रखने के लिए प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं अबूजर नौमानी से। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। चुनाव को संपन्न हुए 2-2.5 वर्ष बीत गए, कितना काम पंचायत में अब तक हो पाया, संक्षेप में जानकारी चाहिए। देखिए, पंचायत के जनता के लिए सुबह शाम एज ए मुखिया मैं खड़ा रहता हूं और 2.25 साल का अरसा गुजरा है। मैंने कुछ जनता से चुनाव में वादे भी किए थे, वादा पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे पहला वादा मैंने किया था जनता से कि अगर जनता ने मुझे जनादेश दिया तो पंचायत की जनता के लिए चुनाव जीतने के बाद 100 दिन में पंचायत को एक एम्बुलेंस गिफ्ट करेंगे, जो मैंने 100वां दिन पंचायत को एम्बुलेंस डोनेट कर दिया, जिससे लोग अभी बीमारी के हालत में रांची, धनबाद, बोकारो या जहां भी जा रहे हैं, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, भाई फ़ायदा उठा रहे हैं। किस मद से, किस योजना के तहत एम्बुलेंस डोनेट किया गया है लोगों को? एम्बुलेंस अपना निजी फंड से किए हैं, कोई सरकारी योजना नहीं। मैंने जनता से वादा किया था और वादा को मैंने पूरा किया और पूरे पंचायत के लोग जाति धर्म से हटकर सभी लोग एम्बुलेंस का सेवा मैंने ले रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और इसका शायद पूरे पंचायत के लोगों से आप जानकारी ले सकते हैं। अबुआ आवास योजना पर बात करना चाहेंगे। अबुआ आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है गरीबों के लिए। जी, योजना को लेकर कभी कभी नकारात्मक रूप से भी चीज़ें भी सामने आती हैं। क्या आपके पंचायत में जिन लोगों को आपने अबुआ आवास योजना का लाभ दिया है या फिर जिनको आवास का लाभ देने के लिए आपने चयनित किया है, क्या वो लोग सही मायने में योग्य लाभुक हैं या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जिनका घर पक्का है और उन्हें आवास का लाभ दे दिया गया? नहीं 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 नहीं, मैं निष्पक्ष काम करता हूं और मैं किसी जनता के दबाव में कोई काम नहीं करता। ऊपर वाला ने सलाहियत दिया, खुद मैं समझता हूं कैसे काम करना है और जो लेने के योग्य हैं उन्हीं को मैंने अबुआ आवास दिया है। पहले फेस में जो जिनको दिया गया, पंचायत के तमाम जनता जानती है कि किसको दिया गया, जो बिल्कुल लेने के लायक थे उनको दिए और अभी फिर जो दूसरे फेज़ में जा रहा है वो मान के चलिए कि बिल्कुल मैंने कमज़ोर किस्म के लोग जो मकान नहीं बना सकते अपने पैसे से, उनको एक सरकार की तरफ से एक बेहतर महत्वाकांक्षी योजना है ये और उसमें हम लोगों ने चयनित करके और लाभ देने की कोशिश की है। क्या आवास के बदले किसी भी प्रकार का कोई लेन देन? मेरा पंचायत, आप मेरे पंचायत के जनता से, मेरे विपक्ष से भी आप पूछ सकते हैं कि मघा कला पंचायत के मुखिया या हमारे लोग, हम रिश्वत मुक्त पंचायत को चलाते हैं। किसी चीज़ में कोई रिश्वत की बात नहीं, 1 रुपया लेन देन की बात हमारे पंचायत में नहीं होती है। 2.25 साल का अरसा गुजरा है, पंचायत की एक भी जनता अगर ये कह दे कि मुखिया जी किसी से 2 रुपये का कोई डिमांड किए हैं तो मैं अपना पंचायती राज मुखिया का पद के इस्तीफा दे दूंगा। कुछ अन्य पंचायतों में इस तरह की खबरें आती है कि ये आवास के बदले 10-20 हज़ार रुपया तक का रिश्वत लिया जाता है गरीब लोगों से। और यही नहीं, पंचायत सचिव जैसे जो कर्मी हैं या फिर मुखिया जो हैं, वो हर किश्त के बदले 5,000 तक का डिमांड कर रहे हैं गरीबों से। इस पर आप विचार क्या रखना चाहेंगे? पहले तो आपने स्टेटमेंट में कह दिया है कि आपके पंचायत में घूस नहीं चल रहा है, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, मुश्किल से गरीबों को सरकार की तरफ से योजना मिलती है और हम खुशनसीब समझते हैं कि हमारे कार्यकाल में उन लोगों को ये सरकार की तरफ से लाभ मिल रहा है और ऐसे सूरत में गरीबों का 10-5 हज़ार रुपये खा जाना, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत सेवक हो या और जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, ये मेरी बदकिस्मती होगी कि गरीब का पैसा 2 रुपया हम खा जाए या मेरे लोग खा जाए। पंचायत में मेरे तरफ से सख्त निर्देश है कि आप और जो लाभुक हैं उनके घर घर जाके मैंने कहा है कि अगर आपसे कोई भी पैसे का डिमांड करता है सीधे बोलिए मुखिया जी के पास जाइए और मुखिया जी आपका काम कर रहे हैं, ना कि कोई दलाल बिचौलिया। मेरे पंचायत में कोई किसी से हम काम नहीं करवाते हैं, डायरेक्ट जनता टू पंचायत के मुखिया, मैं खुद काम करता हूं। मैया सम्मान योजना, कितनी संख्या में पंचायत की महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ अब तक, कितने लोगों को किस्त जो है पहली किस्त मिल गई? नहीं, फाइनल तो कितना हुआ ये हम डाटा देख के बताएंगे आपको, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की। महिलाएं से सुबह शाम इधर उधर निकल रहे हैं, पूछते हैं आपके अकाउंट में पैसा आया, वो बोल रहे हैं हाँ 1,000 मेरा आ गया। तो इस तरह से लगता है कि गांव में और गांव से बाहर अभी हम नहीं जा सकें पूछने के लिए, जो अपना गाँव काजी मघा, इसके बाहर गंदा जोर है, मघा खुर्द है, जमुआ है, बाहर जाके पूछ नहीं सके, लेकिन गाँव की महिलाएँ आ रही है, बहुत खुश हैं कि 1,000 हमारे अकाउंट में सरकार की तरफ से
15वीं वित्त से आपने क्या क्या काम करवाया है पंचायत? 15वीं वित्त से काम देखिए, जिस तरह से इससे पहले पूर्व में चुनाव हुए तो जो पूर्व के माननीय हमारे मुखिया थे उनके दौर में बेहतर राशि सरकार की तरफ से दी जाती थी, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती ये है कि हमारे कार्यकाल में मेरा ही पैसा काटकर जिला परिषद सदस्य और हमारे पंचायत समिति सदस्य को मेरा ही पैसा काट के दे दिया। 60% पैसा मुझे मिलता है, लेकिन ये ऊपर वाले की मेहरबानी है और मेरी कोशिश रहती है कि पंचायत के अकाउंट में पैसा ना बचे और ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं 15वें वित्त से, आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 6 में, वार्ड नंबर 3 में, आप घूम कर भी देख सकते हैं, कहीं आपको नहीं लगेगा कि कहीं कचड़ा है, PCC है, नाला है। इधर भी आप हमारे आवासीय कार्यालय के बाहर जाइए तो आप देखेंगे एकदम बेहतर रास्ता, और जो है वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। अभी कंदाजोर में जनाजा, जमुआ में काजी मघा कब्रिस्तान में जनाजा सेट का काम चल रहा है, PCC का काम लगने वाला है, फिर मघा खुर्द हमारे बगल के गाँव उसमें जनाजा सेट का काम हो रहा है, फिर अभी बोरिंग करवा रहे हैं दो जगह, काजी मघा कब्रिस्तान, कंदाजोर कब्रिस्तान और मघा खुर्द कब्रिस्तान। हर कब्रिस्तान में जो सामूहिक जगह है वहाँ मैंने अभी जो सरकार की तरफ से एक बोरिंग आया है, जो आप सुने होंगे कि विधानसभा से पारित होकर 10 बोरिंग आया, जो 5 विभाग कराएगा, 5 मुखिया जी कराएंगे, तो मैंने जहाँ सामूहिक जगह को देखा वहाँ वहाँ हर जगह बोरिंग देने का काम किया है। कहीं को मिक्स्ड फ्रूट प्लांटेशन या फिर दीदी बाड़ी जैसी स्कीम क्या आपके पंचायत में है? है, लेकिन दीदी बाड़ी वाला बहुत कम मिकदार में हमारे यहाँ हो रहा है, चूँकि लोग देखते हैं कि खेती बाड़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ज़मीन यहाँ की महंगी है जिस कारण लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हद तक हमारे पंचायत में दीदी बाड़ी या और दीगर काम हो रहे हैं। ये जो जल नल योजना है क्या स्थिति पंचायत में, क्या योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, लोगों को के घरों तक योजना के तहत जो है नल के माध्यम से जल पहुँच पा रहा है? देखिए हमारे पंचायत में तो बहुत बढ़िया है, दूसरे पंचायत के बारे में खबरें मिलती है कि पानी नहीं है, नल लग गया, लेकिन मेरे पंचायत में जल नल योजना का जो काम हुआ है अभी पूरा काम मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन 50% लोग लाभान्वित हो रहे हैं, पानी घर घर पहुंच रहा है। जैसे मेरा ही मोहल्ला में अभी हम जिस यहाँ आवासीय कार्यालय में बैठे, इधर भी 10 घर में रोजाना पानी चल रहा है, मस्जिद गली में पानी चल रहा है, बगल गली में चल रहा है, तो इस तरह से हम पूरा व्यू लेते हैं, तो पंचायत में 50% अभी पानी का मैंने चालू कर दिया गया है और बहुत काम बाकी है जो बहुत अविलंब करवाने की कोशिश करूंगा। किसी किसी पंचायत में बिचौलियापन या फिर मीडिएटर कहा जाए वो हावी होता है, आपके पंचायत की कैसे? नहीं, हम इस सब नहीं चलने देते हैं। हमारे पंचायत में पहले मैंने कहा कि रिश्वत मुक्त पंचायत है, कोई लेन देन नहीं, गरीब जनता को देख के पहले जनता का काम होगा, जो लेने के योग्य है मैं उसका काम मैं पहले करता हूँ, किसी का मैं कोई परवाह नहीं करता हूँ कि वो आदमी क्या कहेगा। ये देखिए जनता ने जनादेश दिया है काम करने के लिए और हम बेफिक्र होकर काम करते हैं और काम आदमी देख कर नहीं करते हैं कि फला आदमी, हमारे एक पत्रकार साहब हबीबुल्ला शमसी साहब फला आदमी के बारे में बोल दिए तो काम कर देने, अगर आपने कह दिया और वो योग्य नहीं तो मैं उसका काम नहीं करूँगा, जो योग्य है मैं उसका काम करता हूँ, किसी का बात सुनकर मैं किसी के दबाव में पंचायती राज में कोई काम नहीं करता, खुद से देख के ऊपर वाला ने सलाहियत दिया है कौन लेने के लायक है कौन लेने के लायक नहीं है, सब देख के खुद से मैं काम करता हूँ। 2 साल का कार्यकाल मेरा बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है। पंचायत सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित और हाईलाइटेड रहा है आरंभ से ही, शेर व शायरी का काफ़ी दौर चला है यहाँ पर, चलता रहा है, अभी भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये लोग अपना अपना ओपिनियन है लोग देते हैं, हमारा और मेरा इस वक्त कोई विपक्ष नहीं है। पंचायत के जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े मेरे मुखालिफ होकर, हम उन लोगों से भी मिलजुल कर रहते हैं, किसी मामला में अगर हमको ज़रूरत पड़ी कि अबू आवास को लेकर लोगों से मशवरा करना है तो ये और बात है कि उससे मशवरा ना भी करें मेरा काम हो सकता है, लेकिन लोगों को बुलाकर मशवरा करके और वार्ड तमाम वार्ड सदस्य को बुलाकर कैसे किसको देना है कौन लेने योग्य है उनके लिस्ट के मुताबिक फिर हम मिलाते हैं और जो योग्य है उनको मैंने दिया है। जहाँ कहने का मकसद है कि जनता या वार्ड सदस्य जो मेरा है वो तो अलग है, जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट रहे हैं उनसे भी हम मशवरा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, पंचायत के विकास में सहयोग लेना चाहते हैं और हम मिलजुल के काम करते हैं। पंचायत आपका मुस्लिम बहुल है जी, क्या यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों के साथ बतौर मुखिया आप न्याय कर रहे हैं, सरकारी योजनाएँ उन लोगों को भी मिल पा रही? सभी लोगों को, मैंने पहले भी कहा कि सरकारी योजनाएं, जैसे अभी अबुआ आवास का एक महत्वपूर्ण योजना चल रहा है, आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में सरकार की तरफ से योजना लाई गई है और ये इससे काफ़ी तर लोग लाभान्वित हुए हैं और जो मकान बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे वो सब अपना अपना मकान बना रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट योजना को मैंने घर घर पहुँचाने की कोशिश की है और मैंने पहुँचाया और इसमें किसी लोगों को देख के जात पात या एंटी ये सब कुछ नहीं, मेरे पास जो लेने के लायक है मैं उसको देता हूँ। चुनाव पूर्व बहुत ही चर्चित रहे आप,
चुनाव कैंपेन के दौरान काफ़ी हाईलाइटेड रहे आप, बहुत तरह की चर्चाएं रही पूरे सोशल मीडिया पर और विभिन्न समाचार पत्रों के आप सुर्खियों में रहे। 2-2.5 वर्ष बीत गया मुखिया बने, क्या संतुष्ट हैं आप मुखिया बनकर, या क्या आप आगामी चुनाव में फिर से मुखिया का चुनाव लड़ेंगे, फाइट करेंगे? देखिए, हम संतुष्ट ये कि जनता का हम एक सेवक बनकर आए हैं, कोशिश करते हैं जनता के लिए सुबह शाम काम करने का। देखिए, मेरा काम करने का तरीका ये है कि ज़्यादातर हम अपना वक्त जो है जनता के लिए लगाते हैं। और आपने कहा कि क्या नेक्स्ट चुनाव में आप आएंगे, देखिए जनता पर मुझे इतना भरोसा है, जनता का काम करते हैं, एक एक जनता के लिए हम काम करते हैं दौड़ बोल के, और आने वाला समय में फिर से पुनः एक बार जीत के आएंगे, इसका मैं पूरा आश्वासन। जनता पर इतना कमांड है, हमको इतना विश्वास है, लोगों का इतना काम करते हैं। अब है कि एंटी विपक्ष तो हर जगह है, उसका मैं परवाह नहीं करता, मैं काम पर विश्वास करता हूं। ईमानदारी से बताइए जी, पंचायत भवन में अबुजर नौमानी, मुखिया ग्राम पंचायत मगा कला, प्रतिदिन कितना समय देते हैं पंचायतवासियों के लिए? मैं अपने से, हमसे क्या पूछना है, जनता से पूछ सकते हैं। मगा कला पंचायत, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं मगा कला पंचायत, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लोग भी कहते हैं कि हम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक प्रतिदिन पंचायत की जनता से भी आप पूछ सकते हैं जाके कि पहले के पूर्व के मुखिया और जो वर्तमान मुखिया है, आप कितना संतुष्ट हैं और पंचायत सचिवालय में या और किसी चीज़ में कितना वक्त दे रहे हैं। देखिए, मैंने चुनाव जीतने के साथ एम्बुलेंस का वादा पूरा किया, लाइब्रेरी के बारे में कहा था, लाइब्रेरी बनकर पूरा तैयार है, सारा सामान भी आ गया है। पंचायत भवन में बैठ रहे हैं कितना घंटा? 2-3 घंटा 4 घंटा समय देते हैं। चलिए, हमारे साथ अबुजर नौमानी जुड़े थे, ग्राम पंचायत मगाकला के मुखिया हैं, बहुत ही चर्चित रहे, आरंभ में भी वर्तमान में भी अपने कार्यों के आधार पर खासे चर्चित हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि प्रतिदिन पंचायत भवन में पंचायतवासियों की सेवा के लिए, पंचायत के विकास के लिए 2-3 घंटे ये प्रतिदिन बैठते हैं, जो कि एक सीख है, एक संदेश है, एक मैसेज है दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए, जहाँ से शिकायतें आती हैं रोज भर की, वहाँ के जनप्रतिनिधि का दर्शन करना भी लोगों के लिए मुश्किल और दुर्लभ हो जाता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इस पंचायत में एक और बहुत बड़ी बात सुनने को मिल रही है, वो ये है कि ये जो पंचायत है ये रिश्वत मुक्त पंचायत है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्राइब फ्री पंचायत है मगाकला। यहाँ पर सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए और पंचायत का विकास करने के लिए किसी तरह की घूस और रिश्वत नहीं ली जाती है, कहना है मुखिया अबुजर नौमानी का। तस्वीरें देख रहे हैं ग्राम पंचायत अबुजर नौमानी, ग्राम पंचायत मगाकला के मुखिया अबुजर नौमानी के साथ इस साक्षात्कार के दौरान, और जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मगाकला के मुखिया हमारे साथ जुड़े थे, विभिन्न बिंदुओं पर विभागीय के साथ हमारे साथ अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।